भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया। यानी यहाँ पर मुकाबला जीतना मानो सीरीज जीतने के बराबर है, क्योंकि लॉर्ड्स एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक मैदान है और उस पर जीत हासिल करना वाकई में गौरवान्वित है। अब इंग्लैंड क्रिकेट दिग्गजों ने भारतीय क्रिकेट टीम को हल्के में ले लिया। जी हाँ, अच्छी बढ़त होने के बावजूद भी उन्होंने इस मुकाबले को जीतने में नाकामयाब रही और भारत ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर हराकर मानो इतिहास रच दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया दिग्गज इंग्लैंड को जमकर फटकार लगा रहे हैं, इंग्लैंड को खरी खोटी सुना रहे हैं, इंग्लैंड को ये भी बता रहे हैं कि हमें तो आपको पहले भी कहा था भारत से पंगा न ले। अब इसका अंजाम यही होता है। और भी बहुत कुछ कहा ऑस्ट्रेलिया ने और किस तरह से इंग्लैंड को जमकर फटकार लगाई है और भारत के बारे में बहुत कुछ बड़ा बयान दिया है, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। खैर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जमकर लताड़ लगाए जाने के बाद इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब दिया है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। इंग्लैंड को भारत के खिलाफ यहाँ लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में 151 रन से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के लिए इस मैच में समी बुमराह ने बल्ले गेंद दोनों से अहम योगदान दिया था। खैर, हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज सैन वॉन का मानना है कि लॉर्ड्स में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को आउट करने का कोई प्लान ही नहीं था। इसके ऊपर सैन वॉन ने कहा, इंग्लैंड के गेंदबाज खड़े होकर अपने सिर पर हाथ रखे हुए कह रहे थे कि क्या गलत हुआ है, उनके 5 से 7 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, गेंदबाज इस सोच में डूबे थे कि हम इन बल्लेबाजों को आउट कैसे करें। वॉन ने आगे कहा, इंग्लैंड के गेंदबाज थोड़े भावुक हो गए जिसके चलते उन्होंने शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, पर अंत में जिस टीम ने अच्छा खेल दिखाया उसे जीत मिली और वह रही टीम इंडिया। अब यहाँ पर सैन वॉन इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। सैन वॉन ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह से बदला लेने के लिए आपने उसे बाउंसर मारी जिसकी वजह से आपको विकेट ही नहीं मिला, लेकिन इस बात का खंडन किया है जो रूट ने, और जो रूट ने इसके बाद एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। कप्तान जो रूट ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने बदला लेने से बुमराह के खिलाफ शॉर्ट गेंद फेंकी थी। रूट ने कहा, विराट उनकी टीम में निष्पक्ष खेल खेला है, उन्होंने खेल को हमेशा अलग तरीके से खेला जिससे उन्हें भावनात्मक रूप से बढ़त मिलती है। मुझे लगता है कि कप्तान के रूप में मेरे कंधों पर ज्यादा भार है, योजनाओं के रूप में मैं चीजों को थोड़ा अलग तरीके से कर सकता था जिससे पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे, मैं फील्डिंग जिस तरह से हमने गेंदबाजी की उस पर भी नजर डालूंगा। कुछ इस तरह से रहा भारत और इंग्लैंड का ये मुकाबला, लेकिन इस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।